टेनिस जगत में पीच सम्प्रास ने लगातार 6 बार शीर्ष स्थान पर रहने का एक नया इतिहास रचा। जब पहली बार मैं नंबर वन बना तो मैंने सोचा मुझे यहाँ बने रहने के लिए मेहनत करनी होगी। शीर्ष पर बने रहना सचमुच कठिन है। उधर महिला टेनिस में स्टेफी ग्राफ ने सबसे ज्यादा धन अर्जित करने का एक नया इतिहास बनाया तो भारतीय लिएंडर और महेश की जोड़ी ने अपने जौहर से भारतीय टेनिस के ताकत को परिभाषित करने की कोशिश की। शतरंज में भी कई जूनियर खिलाड़ियों और विश्वनाथन आनंद ने भारत के लिए कई उपलब्धियां हासिल की। प्रशंसकों के साथ खेलना सचमुच सुखद है और यह शो निश्चय ही अच्छा था। Because it gives these people a chance to participate in a nice chess event. मुक्केबाजी में टायसन अपनी वापसी और अन्य हरकतों से सुर्खियों में रहे तो डिंको सिंह ने स्वर्ण जीतकर भारतीय मुक्केबाजी को एक नया आयाम दिया। इतना तो खुशी तो नहीं था लेकिन मैंने दो सपना देखा था और एक तो आज ये हो चुका है और एक सपना बाकी है अभी आने वाला 2000 में इसके। बैंकॉक एशियाड में भारत ने 9वां स्थान पाकर सचमुच खोए गौरव को फिर से हासिल करने की कोशिश की। जहां 32 वर्षों के बाद पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण जीता वहीं महिला हॉकी टीम भी पीछे नहीं रही और रजत पदक हासिल कर लिया। परमजीत सिंह ने हालांकि 40 वर्षों पुराने मिल्खा सिंह के कीर्तिमान को ध्वस्त तो कर दिया मगर एशियाड में स्वर्ण पदक हासिल करने से चूक गए। एशियाड के बाद पीटी उषा वापस लौटती जान पड़ी तो ज्योतिर्मय सिकदर ने एशियाड में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के उज्जवल भविष्य के संकेत दिए। कुल मिलाकर बीता साल खेल अपेक्षाओं के अनुरूप ही रहा लेकिन इस वर्ष कुछ आरोप प्रत्यारोप और विवाद भी देखने में आए जिनकी तपिश इस वर्ष भी महसूस की जाती रहेगी।